जहां पूरा विश्व कोरोना की लड़ाई से लड़ रहा है, वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर फंसे हुए हैं। ऐसे परिवारों के लिए इस मुश्किल घड़ी में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे बढ़कर उनके लिए मदद का हाथ बढ़ा रही है। जी, मेरा नाम दीपक भारद्वाज है और हमें अभी फिलहाल कांगड़ी गांव के पॉइंट पर है, जो दिल्ली सरकार की और एनजीओ के माध्यम से जो खाने की व्यवस्था करी गई है, जो पूरी मटियाला विधानसभा उसमें करीबन 85 के करीब पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रवासी है, करीबन 600-700 करीब, उनके लिए खाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मैं वॉलंटियर हूँ एक एनजीओ की तरफ से। मेरा नाम महेश चंद्र, सुबह शाम दोनों टाइम जो है यहाँ खाना बांटते हैं। सुबह बढ़ता है 10:30-11 के बीच में आता है और शाम में भी 4-4:30 बजे खाना आ जाता है। ऐसी ही एक संस्था जो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर ऐसे परिवासीय परिवारों के साथ है, दिल्ली सरकार की दिल्ली में मुहिम कि हर किसी को खाना मिले, कोई भूखा न रहे। ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से मिल ही रहा है। एक महीना से आ रहे राहुल नाम है। खाना हम तो सरकार से खाना बढ़िया मिलता है, दोनों टाइम ले जाते हैं। इसके लिए एनजीओ और दिल्ली सरकार मिलकर ऐसे जरूरतमंद परिवारों को खाना मुहैया कराती है। और मैं यहाँ पर जब दोनों टाइम खाना मिलता है तो मैं दोनों टाइम इसका देख लेती हूँ। ये दिल्ली सरकार और एनजीओ की मेल जो आ रहा है और ये जो प्रवासी जो लोग हैं इनको दिया जा रहा है। दोनों टाइम पौष्टिक आहार है, सब लोग सोशल डिस्टेंस करके खड़े होते हैं, हम लोग भी ध्यान देते हैं। यहाँ पे गरीब है, मजदूर है, झुग्गियों में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, ये काम नहीं पा रहे हैं। ऐसी भयानक बीमारी चल रही है और इसकी वजह से काम धंधा बंद है, इनका बेरोजगार है। और साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है।